कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी असम में है। कांग्रेस ने शनिवार को दावा किया कि यात्रा को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। यात्रा को गुवाहाटी से गुजरने की अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस ने कहा कि अनुरोध विचाराधीन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा 23 जनवरी को कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले में पहुंचने वाली है, जिसके अंतर्गत गुवाहाटी आता है। वहीं राहुल गांधी की यात्रा अब अपना पहला ब्रेक कब लेगी, इस बारे में भी बड़ी जानकारी सामने आई है। जानकारी के अनुसार राहुल की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगले सप्ताह 2 दिन का ब्रेक लेगी। खबर ये भी है कि यात्रा 25 जनवरी के आसपास पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगी। अलीपुरद्वार में 2 दिन का विश्राम होगा और उसके बाद यात्रा 28 जनवरी को फिर से शुरू होगी। जयराम रमेश ने भी यात्रा को लेकर काफी बातें बताई, आप खुद सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 22 तारीख के सुबह करीब 7 बजे को राहुल जी बोरदोवा सत्र में होंगे, जो नागांव जिले में है। ये बोरदोवा सत्र एक बहुत पवित्र स्थान है असम का और हमारे देश का। ये जन्म स्थान है श्री श्री शंकर देव का, जो हमारे देश के लंबे इतिहास में एक महान, अत्यंत महान धर्मगुरु, समाज सुधारक और सांस्कृतिक शख्सियत रहे हैं। उनका जीवन 15वीं और 16वीं शताब्दी में था, पर उनका जीवन आज भी करोड़ों लोगों को असम में, हमारे देश में प्रेरणा का स्रोत है। और उनका जो उन्होंने हमें सिखाया, जो उनके उपदेश थे, वो आज के समय में और भी ज्यादा महत्व रखते हैं। तो राहुल जी वहां विनम्रता पूर्वक अपने श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे 22 तारीख को सुबह। कल कलियाबोर में, जो गौरव गोगोई जी का लोकसभा क्षेत्र है, कांग्रेस अध्यक्ष भी रहेंगे, एक पब्लिक रैली होगा वहां। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी संबोधित करेंगे। 25 तारीख तक हम असम में हैं। 26 और 27 26 तारीख और 27 तारीख को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए विश्राम का 2 दिन है। ये 2 दिन भारत जोड़ो यात्रा नहीं होगा। 25 के दोपहर को हम उत्तर बंगाल में प्रवेश करेंगे। अलीपुर द्वार में नाइट हॉल्ट होगा 25 तारीख को। 26 और 27 को विश्राम का दिन है, 2 दिन, और 28 को फिर से भारत जोड़ो यात्रा उत्तर बंगाल में होगा। राहुल जी भी उसमें शामिल होंगे, पर 26 और 27 को राहुल जी दिल्ली में ही होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।